हेलो फ्रेंड्स, आज हमने बनाया है उड़द की दाल से बना बड़ा, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा क्रंची भी है। तो आपने सुनी ना आवाज़, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे बनाया है मैंने। हेलो फ्रेंड्स, मैंने ये उड़द की दाल ली है। मैंने एक कटोरी उड़द की दाल ली है, इसे 7-8 घंटे के लिए पानी में भिगो करके रख दिया था। तो ये फूल गई है अच्छी तरह से, ये देखिए। अब इसे मिक्सी में डालकर पीस लेंगे। उड़द की दाल को मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया है। अब उसमें डाल देंगे 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च, साथ ही डालेंगे थोड़े से अदरक जिसे मैंने ले लिया है। अब इसे पीस देंगे। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूरत के हिसाब से इसमें 1 या 2 चम्मच पानी डालेंगे। ये देखिए उड़द की दाल मैंने पीस ली है, इसमें 3 से 4 चम्मच बड़े चम्मच से मैंने पानी डाला है, बस इसे ज़्यादा नहीं। अब किसी तरह से इसे पीस लेना है। अब इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो दाल को मैंने मिक्सी के जार में से इस तरह निकाल करके ले लिया है। ये देखिए इस तरह से, ऐसे इतना मोटा ही थोड़ा सा पीसना है। अब ये पीस चुका है तो इसमें हम डालेंगे हींग, साथ ही डाल देंगे हम स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी और एक मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज। हरी मिर्च या लाल मिर्च पाउडर इसमें हम नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें हमने प्याज हरी मिर्च को पीस दिया है। अब इसे हम अच्छी तरह से इसे इस तरह से बिल्कुल फेंटते हुए से मिक्स कर देंगे। हाथ से ही कर लेते हैं तो अच्छी तरह से हो पाएगा। अच्छी तरह से फेंट देंगे ताकि ये थोड़ा सा हल्का हो जाए, ज़्यादा नहीं करना है, बस थोड़ी देर 2-3 मिनट। ये थोड़ा टाइट से हो रहा है तो इसमें 1 या 2 चम्मच पानी डाल देंगे ताकि अच्छी तरह से ये फेटा जा सके। अब ठीक है, अब हो गया है। कढ़ाई मैंने गैस पर चढ़ा दिया है, साथ ही उसमें डाल देंगे हम तेल गर्म होने के लिए। मैंने हाथ में थोड़ा सा तेल लिया है, साथ ही इसमें लेंगे थोड़ा सा पानी। अब इसे तेल और पानी के साथ इसे चिकना कर लेंगे। अब लेंगे हम थोड़ा सा ये बैटर जो हमने दाल का पीस के रखा था, इसे इस तरह से ऐसे करेंगे और बीच में एक होल बना देंगे इस तरह से, ये देखिए। अब इसी तरह से बनाते हुए सबको फ्राई करेंगे। तेल गर्म हो गया है तो जो हमने ये बनाए थे बड़े, इसे हम इसमें डाल देंगे। बाकी के बड़े भी हमने बना करके तेल में डाल दिए हैं, इसमें ज़्यादा भर भर के नहीं डालेंगे, जितनी जगह हो उतनी ही डालेंगे। और उस पर इसे क्रिस्प होने तक इसे फ्राई करेंगे। जब ये फ्राई करेंगे तो ये फूल फूल करके बड़े बड़े हो जाएंगे। इसके बड़े जो हमने बनाए हैं वो हम बना करके रखेंगे नहीं, जब डालेंगे तब उसी समय बना करके तब फिर डालते जाएंगे, नहीं तो ये प्लेट में जैसे बना कर तैयार करके रखेंगे तो फिर ये उसी तरह से फिर वैसे ही हो जाएंगे। उठाकर जब तक डालेंगे तब तक वो ख़राब हो जाएंगे, इसलिए जब भी डालना हो तो फिर इसी तरह से हाथ में पेड़े की तरह लीजिए, उंगली से या किसी भी चीज़ से गोल कीजिए, होल कर दीजिए और फिर इसके बाद उसे कढ़ाई में डाल दीजिए। लेकिन बहुत ही संभाल करके डालिएगा, नहीं तो तेल के छींटे पड़ करके हाथ भी जल सकता है। ये क्रिस्पी हो चुके हैं तो हम इन्हें एक एक करके प्लेट में निकाल लेंगे। ये
एक एक करके सारे निकाल लेंगे। दूसरी बैच भी फ्राई होकर के तैयार हो गई है, तो इसे भी हम निकाल लेंगे प्लेट में। सारे बड़े हमने बना करके तैयार कर लिए हैं। ये देखिए बिल्कुल ही ऊपर से बहुत ही क्रंची बने हैं और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, तो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। आप इसे कोई भी हरी चटनी सॉस या ग्रीन चिली कोई भी सॉस के साथ आप खा सकते हैं। मैंने सिजवान सॉस लिया है तो इसके साथ खाऊंगी मैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर से। थैंक यू।